जयपुर नगर निगम के 3 पार्षदों को न्यायालय से मिली राहत, उच्च न्यायालय ने रद्द किया बर्खास्त करने का आदेश। जयपुर नगर निगम में महापौर डॉक्टर सौम्य गुर्जर के बाद अब बर्खास्त 3 पार्षद को भी राजस्थान न्यायालय ने राहत दी है। इन तीनों पार्षदों को राज्य सरकार ने तत्कालीन मुख्य कर्मचारी अधिकारी यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने के मामले में बर्खास्त किया था। देव ने स्थानीय निकाय विभाग और पुलिस में इसकी शिकायत की थी। न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने तीनों पार्षदों की बर्खास्तगी पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। पार्षदों की तरफ से वकील आर एन माथुर सहित 3 वकीलों ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि प्रार्थियों को सरकार ने सुनवाई का मौका नहीं दिया। सरकार का ऐसा करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसी मामले में उच्च न्यायालय पहले भी महापौर को बर्खास्त करने वाले आदेश को रद्द कर चुका है। ऐसे में प्रार्थियों का मामला व तथ्य भी पूर्व के मामले के समान ही है, इसलिए उन्हें बर्खास्त करने वाले आदेश को रद्द किया जाए और वापस पद पर बहाल किया जाए। उच्च न्यायालय ने प्रार्थियों की बहस को सुनकर उन्हें बर्खास्त करने वाला आदेश रद्द कर दिया। उल्लेखनीय है कि देव की शिकायत पर जांच के बाद स्थानीय निकाय विभाग ने पिछले साल 22 अगस्त को महापौर गुर्जर, 3 पार्षदों पारस जैन, अजय सिंह और शंकर शर्मा को पद से बर्खास्त कर दिया। सरकार से जारी आदेशों के बाद इन तीनों पार्षदों को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया था। महापौर और पार्षदों ने सरकार के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पहले तो महापौर गुर्जर की बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए बहाल किया था। बुधवार को 3 पार्षदों को राहत दी गई।